नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक सर्किट के सीरीज में फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन एमएमएफ रिक्वायर्ड टू जनरेट ए टोटल फ्लक्स ऑफ 100 माइक्रोवेवर इन एन एयर गैप ऑफ 0.2 सेंटीमीटर long, the cross sectional area of an air gap is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है निकालना है हमें एमएमएफ जिसका टोटल फ्लक्स होगा 100 माइक्रो वेबर और एयर गैप जो है वो 0.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयर गैप जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन देखे। तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना है, तो फ्लक्स कितना है 100 माइक्रोवेवर। 100 माइक्रोवेवर मीन्स 100 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 वेवर। सेकेंड, लेंथ ऑफ एयर गैप देखे है तो उसको हमने एलजी से दर्शाए, लेंथ ऑफ एयर गैप तो 0.2 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मीटर। थर्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयर गैप 25 सेंटीमीटर स्क्वायर देखे है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करें तो है 25 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर। तो गिवन ये है। अब एमएमएफ फाइंड आउट करना है, तो एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है, एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस, फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। अब फ्लक्स जो है वो गिवन देखे है, फ्लक्स जो है वो गिवन देखे है और हमको रिलेक्टेंस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर जाके ये एमएमएफ के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एमएमएफ निकल जाएगा। तो रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एल जी म्यू जीरो म्यू आर ए। ठीक है, तो एल जी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू जीरो है, जो कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू 4π × 10⁻⁷। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम जो है, अब इसमें मीडियम क्या है, एयर है, इसलिए उसका कांस्टेंट है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4π, म्यू जीरो का वैल्यू जो है वो 4π × 10⁻⁷। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू आर दैट इज 1। अब एमएमएफ के फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, फ्लक्स का वैल्यू जो है 100 × 10⁻⁶ गिवन में देखे था और रिलेक्टेंस के फॉर्मूला में एल जी डिवाइड बाय म्यू जीरो म्यू आर ए, तो एल जी का वैल्यू क्या है 0.2 × 10⁻²। लेंथ ऑफ एयर गैप 0.2 × 10⁻², तो 0.2 × 10⁻²² डिवाइड बाय म्यू जीरो म्यू आर ए, तो म्यू जीरो का वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ इंटू म्यू आर का वैल्यू जो है 1 और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका वैल्यू है 25 × 10⁻⁴। यहाँ पे गिवन देखिए 25 × 10⁻⁴, तो सभी वैल्यू को पुट कर दिए, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैल्सी में डाल के तो उसका वैल्यू आएगा 63.66 एम्पियर टन। तो ये जो है हमारा एमएमएफ निकल गया है, तो एमएमएफ इज 63.66 एम्पियर टन। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला का बेस पे ही था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अभी हम लोग और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सेकंड, एन आयरन रिंग ऑफ मीन सर्कमफेरेंस ऑफ 0.8 मीटर इज यूनिफॉर्मली वाउंड विथ 550 टन्स ऑफ वेयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दैट ए करंट ऑफ 1.1 एम्पियर वुड प्रोड्यूस इन द रिंग, एज्यूम रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1400। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन देखे है मीन सरकमफेरेंस जो है, यानी ये जो रिंग है उसका सरकमफेरेंस जो है उसका 0.8 मीटर है, तो गिवन में देखे है नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ये रिंग के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 550 नंबर ऑफ टर्न्स है गिवन में। करंट
जिसमें फ्लो हो रहा है 1.1 एम्पियर. रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल दैट इज गिवन 1400. ठीक है, अब हमको निकालना है फ्लक्स डेंसिटी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी. तो हमको फ्लक्स डेंसिटी कितना है वो फाइंड आउट करना है. तो फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला है फाइव आई है, इसमें हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता नहीं और फ्लक्स भी पता नहीं, इसलिए वो फॉर्मूला जो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. दूसरा जो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू एच, बी इज इक्वल टू म्यू एच, और म्यू जो है दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर. तो म्यू के बदले म्यू जीरो म्यू आर लिख दिया, और एच जो है रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलेंगे या फिर फील्ड स्ट्रेंथ. अब म्यू जीरो का जो है कांस्टेंट है 4.2×10⁻¹⁷. ठीक है, म्यू आर जो है वो गिवन है 1400 म्यू आर देके है, और एच जो है वो हमें पता नहीं. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद इस फॉर्मूला में सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो बी निकल जाएगा. तो एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल, एच का ये फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू एन आई मीन्स एम एम एफ है डिवाइड बाय एल. एन जो है 550 और आई जो है 1.1 एम्पियर डिवाइड बाय एल जो है 0.8 गिवन देके है. अब यहाँ पे देख सकते हैं एन 550, आई जो है 1.1 एम्पियर. ठीक है, और एल जो इसका लेंथ है मीन सरकमफेरेंस जो है इसका मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ 0.8 ये है. तो ये सभी वैल्यू पुट कर दिए, इसको अगर कैलकुलेट किया है तो हमारा एच जो आएगा 756.25 एम्पियर टर्न पर मीटर. अब ये एच निकल गया है. अब बी जो वी का जो फॉर्मूला है उसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे. वी का फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच. तो इसमें म्यू जीरो का वैल्यू जो है 4.2×10⁻¹⁷, म्यू आर का 1400 और एच का जो है 756.25. तो सभी को कैलकुलेट अगर करेंगे फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू 1.11 ये जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये जो है फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है. तो फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय 1.1 एम्पियर करंट इज 1.33 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये जो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था 1.1 एम्पियर, वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस करेगा दैट इज 1.33 वेबर मीटर स्क्वायर. तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और आगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेने वाले हैं हम लोग. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे